हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी न्यू गार्डनर फ्रेंड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? ये रहा स्पाइडर प्लांट का पौधा। मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी। नर्सरी से लाए हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं। अब मैं इसे गमले में शिफ्ट करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना शिफ्ट करते वक्त आप लोगों को दिखाया जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी सॉइल तैयार कर ली है और देखो ये रही स्पाइडर प्लांट की सॉइल। इसमें दो भाग मिट्टी, एक भाग रेत, एक भाग बर्मी कंपोज और थोड़ी सी नीम खली डाली है। नीम खली इसलिए डाली है ताकि मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस ना लगने पाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे गमले में शिफ्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने पौधे को गमले में लगा लिया है, लगा कर तैयार कर दिया है। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। कभी भी जब आप पौधे को लगाते हैं तो पौधे को लगाते समय गमले में मिट्टी को इतना डालें कि गमला 1 से 1.5 इंच खाली रखें। और जब आप पौधे लगाने के बाद में फर्स्ट टाइम पानी डालते हैं तो पानी आपको इतना डालना चाहिए कि पानी गमले में नीचे तक पहुंच जाए, यानी कि नीचे से बहने लगे, इतना पानी डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी पूरी अच्छी तरह से, मिट्टी को नमी मिल जाती है और हमारा पौधा अच्छे से लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पौधे को लगाकर तैयार कर दिया है। ये रहा हमारा स्पाइडर प्लांट। फ्रेंड्स, ये प्लांट रनर निकालता है। ये देखो फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसके रनर होते हैं जो इससे निकलते हैं। इसमें छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल आते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, इसमें छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल आते हैं। और जब आपको नया प्लांट तैयार करना हो तो इसके रनर को यहाँ से निकाल कर, और ये देखो फ्रेंड, इसमें पीछे जड़ निकलती है इसकी, इसको मिट्टी में दबा दें, इसका नया पौधा तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पौधा है। ये ऑक्सीजन प्लांट है। अगर आपके घर में किसी को भी सांस से कोई दिक्कत है, सांस की बीमारी है किसी भी तरह की, तो आप 5 से 6 पौधे अपने घर के अंदर ले आइए और लगा लीजिए। देखिए कितना रिलीफ मिलता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। और इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और कम पानी की भी नहीं। ज़्यादा पानी देंगे तब भी इसकी पत्तियाँ पीली पड़ के ख़राब हो जाएंगी, और अगर आप कम पानी देंगे तब भी इसकी पत्तियाँ ब्राउन होकर ख़राब हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें पानी बहुत ही लेवल से देना चाहिए, चेक करके देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स इसे। तो फ्रेंड्स, आप अगर इसे साल में 2 बार भी खाद देंगे तो भी इसके लिए अच्छा है। इसे बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए, इसे हल्की धूप में ही रखें। सुबह की घंटे 2 घंटे की धूप इसे मिल जाए, इसके लिए उतना ही काफ़ी होता है। मैं इसमें गोबर खाद दूंगी, वर्मी कंपोस्ट दूंगी, बस इसी 2 खाद की इसमें ज़रूरत रहती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।